नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे रायपुर, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मुझे पता चला कि आज सुबह यहां रैली में आ रहे छत्तीसगढ़ के 3 संतानों एक बस हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। जिन लोगों का निधन हुआ है मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनके इलाज में भी हर संभव मदद की जा रही है। और इस कार्यक्रम के बाद पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ साथी भी इन परिजनों की आवश्यक चिंता जरूर करेंगे। जो लोग अस्पताल में हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके निर्माण में भाजपा की प्रमुख भूमिका रही। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। इसलिए आज दिल्ली से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के तेज विकास के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आज भी यहां के विकास के लिए 7000 करोड़ रुपए से अधिक इस काम का लोकार्पण या तो शिलान्यास हुआ है। इनमें रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये सारी परियोजनाएं आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएगी। भाइयों और बहनों, 2 साल बाद छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ है और कहते भी हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। साथियों, अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। साथियों, गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने
बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। साथियों, कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए, इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ से धोखा किया। साथियों, आरोप ये है कि ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे, ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं, इसलिए भली भांति की चर्चाएं यहां हो रही है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी, कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक, पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही
आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। साथियों, छत्तीसगढ़ में बीते चार साल में जो कुछ हुआ इससे फिर सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की कमीशनखोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे, देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। मोदी गरीब का बेटा है, गरीब का दुख दर्द समझता है। मैं जानता हूं कि गांवों को सड़क से जोड़ने पर गरीब का कितना भला होता है। इसलिए हमने कांग्रेस सरकार से दोगुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा।
रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। भाजपा सरकार आज कांग्रेस सरकार के मुकाबले नेशनल हाईवे पर, रेलवे पर कई गुना ज्यादा खर्च कर रही है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, आना जाना आसान होता है, तो गरीब का जीवन भी तो आसान होता है। आपकी हर मुश्किल को कम करने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। बीते 9 वर्षों में नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकालने के हमारे प्रयासों का नतीजा भी आज देश देख रहा है। कुछ साल पहले तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 के आसपास थी, अब इनकी संख्या घटकर 70 के आसपास रह गई है। भाइयों और बहनों, अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। पीएम फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के किसानों को 6,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, उनके खाते में जमा हो चुके हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,600 करोड़ रुपए से अधिक यहां के करीब 40 लाख किसानों को मिले हैं। ये है भाजपा की असली गारंटी। साथियों, भाजपा गरीब की चिंता करने वाली पार्टी है, गरीब का कल्याण करने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजना यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए 12 लाख घर बनाने की तैयारी की थी। जब तक यहां भाजपा सरकार रही, तब तक तेजी से गरीबों के घर बने, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। जब यहां भाजपा सरकार थी तो उसने हर साल यहां गरीबों के लिए 2 लाख से ज्यादा घर बनवाए। अब कांग्रेस सरकार यहां एक साल में
एक लाख घर भी नहीं बनवा रही है और पैसे दिल्ली से भेजते हैं। आज यहां पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में हैं, इंतजार की सूची में पड़े हैं। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। और मैं उन सभी गरीब परिवारों को कहना चाहता हूं, जो लोग जिनका पंजा आपके भाग्य को कुचल रहा है, ये पंजा हटते ही जिन गरीबों के घर नहीं बने हैं, ये मोदी गारंटी देता है वो गरीब का घर भी बन जाएगा। साथियों, यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास छत्तीसगढ़ के धान किसानों से ज्यादा धान खरीदने का है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है, उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। हमने ना सिर्फ धान पर MSP बढ़ाई है, बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। पिछले 9 साल में भाजपा की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इस साल भी यहां के धान किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये भाजपा ही है जो यहां के किसानों की मेहनत को समझती है, उनके लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है, उनसे झूठ बोल रही है। साथियों, कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में उपयोग किया है। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा साधन और सुविधाओं से वंचित रखा है। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी समाज के अनेक समुदाय अपने अधिकारों से वंचित थे। भाजपा सरकार ने ही उन्हें जनजातियों की सूची में शामिल कर उनका अधिकार दिलवाया है। ये भाजपा सरकार है जिसने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया था। तो रायपुर से पीएम नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गंगा जी की झूठी कस्में खाती है। कांग्रेस के नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। तो बता दें कि इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए छत्तीसगढ़ में गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और इसके बाद गोरखपुर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।